हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शांतनु हल्दर। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 HD, जो कि हम फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। और ये ऑफर के तहत मिला था मेरे को 6,000 के आसपास। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, इस तरह से एक बॉक्सिंग करके दिए उन्होंने अपने खाकी में। काफी हैंडी है। ये फ्लिपकार्ट के बाद ये अंदर से इसका बॉक्स मिला है। काफी फ्लोरोसेंट कलर है इसका, बॉक्स का आई कैंडी इसको बोलते हैं, वो एक तरह से कलर है इसका बॉक्स का। इसके पीछे स्पेसिफिकेशन है मॉडल की, मेड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया है गाइस, ये इंडिया में अंदर बन के तैयार हुआ है, तो ये एक प्राउड फील है। 5000 mAh की बैटरी है, 16.76 सेंटीमीटर का इसका स्क्रीन डिस्प्ले है, 5 MP का सेल्फी है, और 4 GB तक की रैम है, 8 MP का कैमरा है रियर। इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बाकी रिव्यू आप फ्लिपकार्ट पे देख ही सकते हैं। ये है इसका बॉक्स के अंदर का। ये है नॉर्मल सा एडाप्टर, ये डाटा केबल जो कि टाइप सी नहीं है, आप देख सकते हैं। टाइप सी रहता तो और अच्छा होता। एक इंजेक्टर दिया है, और ये केस की मैं बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हार्ड और टफ केस है। नॉर्मली रेडमी के फ़ोन भी दिए हैं, रियलमी के फ़ोन भी है मेरे पास, बट उसके मुकाबले काफ़ी हार्ड है। शायद कोई अलग सा मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। और ये जो एजेस देख रहे हैं आप, काफ़ी हार्ड है जैसे। बाकी ये कुछ पढ़ाकू लोगों के लिए है, शायद ही कोई पढ़ता हो इन लोगों को। मेरे घर में इसको $1 बोल रहे थे, स्पेशली मेरी वाइफ। ये सब चीजें हो गई हैं। आइए अब फोन को देखते हैं। HD डिस्प्ले, काफी बड़ा फोन है आई मस्ट से इस प्राइस रेंज में। पीछे से आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह के सरफेस है। एक थोड़ा सा रफ है, ये वाला रफ पैच है, और इस तरफ थोड़ा सा स्मूथ पैच है। हाथ में काफी हैंडी है। न्यू यूज़र के लिए आप अपने घर में किसी को दे सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी हो, आपके डैडी हो, उनके यूज़ करने के लिए एकदम परफेक्ट फ़ोन है। इस प्राइस रेंज के अंदर ये आई थिंक काफ़ी बढ़िया है, मतलब इस सेगमेंट के अंदर। हमने कुछ फ़ोटो भी खींची थी इसके अंदर, फ़ोटो भी ज़बरदस्त आई है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस रेंज के अंदर वो ठीक ठाक फ़ोन है। इस है आप लोग ये नहीं बोल सकते कि यार ये 6,000 में हमको एक बेकार फ़ोन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिव्यू पढ़ सकते हैं इसके अंदर। स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है, इसी काफ़ी हैंडी है। कुछ ऐप्स है जो आपको इनके साथ ही मिलेंगे, देख सकते हैं। ऑल इन वन मैं इस फोन को 8.5 out of 10 दे सकता हूँ। बाकी आप लेंगे आपको पता लगेगा कि कैसा फ़ोन है। टाइप सी देते तो और भी अच्छा लगता है इसके बारे में, बट चलिए कोई बात नहीं।